नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर देख पा रहे होंगे। एक बहुत गंभीर विषय पर बात करने आई हूँ। आज सुबह से लगातार मैं सोशल साइड एक्स पर समय बिता रही थी और मैं जो देख रही हूँ वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाला मामला है। आप सभी को पता है कि नीट की इस साल की जो परीक्षा है उसमें धांधली की किस तरीके से खबरें आ रही हैं, और जो धांधली की खबरें आ रही हैं उसमें जो बच्चे हैं वो लगातार जगह जगह पर आंदोलन कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार भी नहीं है ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द होती रही, जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की खबर आती रही, जिस कोई भी ऐसा पेपर अब तो दिख ही नहीं रहा है, बिना लीकेज की कोई पेपर करा पाना संभव ही नजर नहीं आ रहा है। इस तरीके से चीजें जो है वो सामने दिख रही हैं। ये हमारा पास्ट है जिससे मैं इस तरीके से नाराज होकर बात कर रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है मैं उन बच्चों से पूछना चाहती हूँ, उन अभ्यर्थियों से पूछना चाहती हूँ जो इस तरीके का स्टेप उठा रहे हैं या उठाने के बारे में सोच रहे हैं। लगातार मैं देख रही हूँ कि कुछ बच्चे जो है इस तरीके का कदम उठा रहे हैं कि वो उन्हें इस बात की हताशा और निराशा हो गई है कि पेपर में जो धांधली हुई है उस पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी और उस पर अब जो है वो कोई कुछ एक्शन नहीं लेगा, इसलिए जो इस तरीके का आप कदम उठा रहे हैं, अपनी जिंदगी को खत्म करने का कदम जो आप उठा रहे हैं, आपको ऐसा हताश और निराश होकर आप जो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और वो क्यों गलत है, वो इसलिए क्योंकि इस तरीके की परीक्षाएं दोबारा हो सकती है। मुझे पता है कि ये आपका अपना सपना है, इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, कई सालों से आप लगातार मेहनत करके इस तरीके की कठिन परीक्षा में बैठते हैं, और ये पूरे भारतवर्ष में इस तरीके की जब परीक्षाएं कराई जाती हैं उसमें इस तरीके की धांधली की जब खबर आए तो अपने आप में हैरानी होती है कि ये कोई चपरासी की नौकरी के लिए परीक्षा नहीं कराई गई थी, ये देश में उन प्रतिष्ठित संस्थानों में डॉक्टर बनने के लिए जो है वो पेपर कराई गई थी। और आप सोचिए कि इस तरीके से पैसे देकर अगर लाखों बच्चों के साथ मजाक किया जा सकता है, कुछ चुनिंदा लोगों को आराम पहुंचाने के लिए, उनके बच्चों को सुविधा देने के लिए, तो अपने आप में हैरानी है। अगर कुछ अमीरपति, लखपति, करोड़पति के बच्चे उस तरीके से काबिल नहीं है और उनको कुछ पैसा देकर उनको ऑल इंडिया वन रैंक दी जाती है, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान पता है किसको होता है? उस गरीब अभ्यर्थी को होता है जिसके पास उस तरीके से संसाधन नहीं है, उसके बाद भी वो इस तरीके की कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसमें जो है वो निकाल भी रहा है उस तरीके की परीक्षा को, और उसमें सबसे बड़ी इस बात तो हैरानी इस बात की कि जिसको वन रैंक मिला है ना वो भी जो है वो सीट नहीं पा रहा है दिल्ली एम्स जैसी संस्था में। इस तरीके की सोचिए, जिसको 720 में से 720 मार्क्स मिले हैं वो भी जो है वो इस तरीके की परीक्षा में भाग नहीं ले पा रहा है। और जिस तरीके से धांधली की खबर आई, एक सेंटर से 6-6, 8-8 बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर एक तरीके से जो क्रमांक नंबर है वो उसके कुछ अंक शुरू के जो है वो अपने आप में सेम मिलते हैं, इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में सवाल खड़ा होता है। लेकिन एनटीए क्या कर रहा है, एनटीए सफाई में ये बता रहा है कि अरे अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सारी चीजें ऐसी है वैसी है। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए कि आपकी इस तरीके की लापरवाही की वजह से अगर किसी का बेटा खो जा रहा है, किसी की बेटी खत्म हो जा रही है, तो उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? देश में इतनी बड़ी संस्थाएं हैं भाई, परीक्षा कराने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन उसके बाद भी देश का युवा इस तरीके से हताश और निराश होकर इस तरीके का स्टेप उठा रहा है, बहुत गलत है। और सबसे गलत बात उन बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस अगर वहाँ तक पहुँच रही है, तो मुझे पता है कि मेरी वीडियोस वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, लेकिन अगर पहुँच रही है तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से, इस बात को समझिए कि परीक्षा दोबारा हो सकती है, परीक्षा कैंसिल भी हो सकती है और हुई भी है। ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें धांधली हुई, जिसमें फ्रॉड हुआ, उसको कैंसिल भी किया गया है, ये भी परीक्षा कैंसिल होगी। लेकिन इस तरीके का कदम मत उठाइए, प्लीज मत उठाइए, क्योंकि पहले तो आपके माता पिता कितनी मेहनत करके कितना कुछ सैक्रिफाइस करके आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं, वो मिडिल क्लास के लोग जो इस तरीके की महंगी परीक्षा के लिए लाखों लाख रुपए ले आकर अपने बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उनके साथ उनमें से बहुत से ऐसे, अरे बाप रे बाप, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है ना कि 720 नंबर का ये पेपर है और 700 से ऊपर लाए बच्चे ऐसे हैं ना जिनको अच्छी संस्थान ही नहीं मिल पा रही है, उनको पढ़ाई के लिए सरकारी संस्थानें नहीं मिल पा रही हैं। और आप सभी को पता है कि प्राइवेट कॉलेज में कितना पैसा चलता है डोनेशन का, और डोनेशन देने की हैसियत नहीं है उन परिवारों की, उनका गुनाह क्या है कि वो इस तरीके के महंगे महंगे प्रोफेशन को
चूज कर रहे हैं इस तरीके से महंगे प्रोफेशन में अपना करियर देखते हैं, उनकी गलती क्या यही है? क्या मेहनत के दम पर इस देश में एक भी ढंग की नौकरी नहीं पाई जा सकती? क्या अब सारी नौकरियां उन लोगों को ही मिलेगी जिनके पास एक अच्छे घराने में पैदा होना बहुत जरूरी है और अच्छे संसाधन होना बहुत जरूरी है क्या? बिना डोनेशन के, बिना किसी फ्रॉड के इस देश में ढंग की नौकरी मिल पाना संभव नहीं है क्या? एक बात, और दूसरी बात ये कि मैं जो लगातार ये लगातार तमाम अखबारों में मैंने देखा कि जो नीट के जो बच्चे हैं जो इस तरीके का कदम उठा रहे हैं डिप्रेशन में जाकर, उनको एक बात बतानी है कि आपसे ज़्यादा डिप्रेशन आपके माता पिता फेस कर रहे हैं। आप अगर आपका सपना टूटा है तो आप आपके अंदर वो ताकत है, आप फिर से दोबारा मेहनत करके अगले साल फिर से परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा सपना टूटा है तो आपके माता पिता का टूटा है। तो उनके बारे में सोचिए, उनकी उतनी उतने महंगे महंगे कोचिंगों में उन्होंने ना जाने कितना पैसा देकर आपको पढ़ाया है, उसके बाद अगर एक तो पहले उनका उनका होप टूट गया, उनका सपना टूट गया, इस तरीके की धांधली और फ्रॉड की खबर आने लगी, उसके बाद आप लोग इस तरीके का कदम उठाएंगे तो उन पर दोहरी मार हो जाएगी। मेरे लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए सोचिए और इस बात को जरूर सोचिए कि आप उनके लिए कलेजे का टुकड़ा है। अगर आप इस तरीके का कोई कदम उठा रहे हैं तो आपको एक बार जरूर अपने माँ बाप के बारे में सोचकर रुक जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की संस्थाएं जो हैं वो अपनी गलती जरूर मान लेती हैं और मानेंगी भी जरूर। मुझे लगता है कि ये पेपर जो है वो अपने आप में जरूर कैंसिल होगा अगर उसमें फ्रॉड की खबर आती है तो। जैसे एक ही सेंटर से अगर 6-6, 8-8 बच्चे जो है वो 720 नंबर पा जा रहे हैं, ये मजाक बात थोड़ी है। इस पर जरूर, अब जैसे आप सभी को पता है कि मैटर कोर्ट में गया है, कोर्ट ने 10 दिन का समय मांगा है, आप सभी निराश मत हो, ये जरूर ये पेपर जो है वो अपने आप में कैंसिल होगा, जरूर कैंसिल होगा। लेकिन इसके लिए इस तरीके का कदम प्लीज मत उठाइए, आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है और आपकी जिंदगी की कीमत अपने माँ बाप से जाकर पूछिए, वो आपको बताएंगे कितनी कीमती है आपकी जिंदगी। आपके लिए आपकी जिंदगी बोझ हो सकती है, आप लोग जो है वो जरूर परेशान हो सकते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा परेशानी आपके माँ बाप को है। तो प्लीज इस तरीके का कोई भी कदम मत उठाइए जिससे आपसे ज्यादा परेशानी आपके माँ बाप को हो। और दूसरी बात ये कि ये जो बच्चे बैनर लगाकर ये बात लिख रहे हैं ना कि मेरी सीट खाली गई है, और मेरी सीट पर सोच कर देखिए कि जिन बच्चों ने मेहनत की है उन बच्चों के हिस्से की खुराक अगर कोई और खा रहा है तो कितनी गलत बात है। और सिर्फ गलत बात नहीं है, ये जो डॉक्टर होंगे पता है कैसे डॉक्टर होंगे, ये ऐसे डॉक्टर होंगे जो आप लोग अखबारों में और लगातार तमाम सूचना एजेंसियों से बात सुनते हैं ना कि ऑपरेशन हुआ तो पेट में कैची छोड़ दिया, इस तरीके का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन इसका करना था उसका कर दिए, मलेरिया की दवा लेने गया था तो उसका उस तरीके का इंजेक्शन लगा दिया गया, ये सब पता है ऐसे ही डॉक्टर निकलेंगे जो पढ़ाई के दम पर, उनकी इतनी औकात नहीं है कि पढ़ाई के दम पर एक छोटी सी परीक्षा निकाल दे, पैसा देकर फ्रॉड कर कर। उनके माँ बाप को भी चिंता होनी चाहिए इस बात की कि अपने बच्चों के लिए इस तरीके के फर्जी तरीके से अपने बच्चों को टॉप कराने के लिए जो पैसा दे रहे हैं, कहाँ तक आप पैसा देंगे? ये इस तरीके का एनटीए पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, नीट की परीक्षा के धांधली पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, पैसा देकर मान लीजिए कुछ बच्चे इस साल पास हो जाएंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ तक आप पैसा देंगे? एक थोड़ा सा रिसर्च करके मुझको जब इतने सारे प्रूफ मिल सकते हैं, मुझको जब इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा रिसर्च करके एनटीए को भी बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये समझाने की कोशिश की गई है कि एनटीए जो है एक बहुत अच्छी संस्थान है और वो बहुत अच्छे से जो है वो परीक्षा कराता है। अगर आप में आपके दामन में किसी तरीके का कोई दाग नहीं है तो प्लीज बच्चों को समझाने की कोशिश करिए, प्लीज बच्चों की जो भी दुविधाएं हैं, जो भी उनके मन में सवाल है उनका जवाब देकर उनको प्लीज समझाइए, क्योंकि अगर उनको ठीक से समझाया नहीं गया तो अपने आप में ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और एक बैनर जो है वो मेरे सामने है, इसमें लिखा हुआ है देगा एनटीए फर्जी नंबर, जान लेंगे फर्जी डॉक्टर। तो ये बात समझिए कि ये छोटा मोटा चपरासी का तो है नहीं, ये आपके देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए होने वाला एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आज तक कभी भी 2 से ज्यादा कभी भी टॉपर हुए ही नहीं है। इस बार कितने कितने अधिक टॉपर जो निकलते हैं, 67 जो है वो टॉपर्स निकल जाते हैं, 720 नंबर आ जाते हैं, मतलब मजाक चल रहा है क्या? आप सभी इस बारे में जो भी सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन मेरा फिर से हाथ जोड़ से आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो जिन बच्चों ने नीट की पेपर दी है, जिन लाखों बच्चों ने नीट की पेपर दी है, आप लोग जरूर आंदोलन कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में आप सभी का अधिकार है, जरूर करिए, लेकिन प्लीज अपने दोस्तों को समझाइए कि अगर वो इस तरीके के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और हम नहीं चाहते कि हमारे देश का कोई भी युवा
जो जो मेहनत करने वाला युवा है, जिसने मेहनत किया है, वो इस तरीके का कोई कदम उठाए, क्योंकि होनहार डॉक्टरों की इस देश में बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और अगर आप इस तरीके का कोई भी कदम उठाते हैं तो देश से एक होनहार डॉक्टर जा सकता है। तो प्लीज़ इस तरीके का कोई कदम मत उठाइएगा। नमस्ते।